बात कर रहे हैं आज हम यंग करोड़पतिज की, यानी कम उम्र में जो लोग करोड़पति बन जाते हैं और क्या टेक्निक वो अपनाते हैं, ये समझा रहे हैं हर्ष हमें। हर्ष, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि इनफैक्ट काफी हद तक ये देखा गया है कि कई लोग अपने होम टाउन से काफी कम उम्र में निकल जाते हैं जॉब की वजह से और दूसरे शहरों में रहते हैं। ऐसे में अपने घर से दूर रह के कैसे सेविंग की जा सकती है, मतलब एक मिनिमम सेविंग क्या होनी चाहिए घर से दूर रहकर भी आप कुछ बचत कर पाए। वेल, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो अपने घर छोड़ के कोई दूसरे शहर में जाके काम करते हैं, तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होता है, वो अकोमोडेशन का होता है। उन्हें घर ना रेंट पे लेना रहता है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी चीज़ उन्हें खुद मैनेज करनी होती है, और मान लीजिए अगर कोई हेल्पर्स भी रखते हैं तो उसका कॉस्ट एडिशनल होता है। सो वेल, ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो सेव करना बहुत मुश्किल होता है इनिशियल ईयर्स में कम से कम। सो ऐसे में एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। मान लीजिए 10% नहीं भी होता आपकी इनकम का, लेकिन अगर आप महीने का 500 रुपया भी अगर सेव कर सकते हैं तो ये चीज़ से क्या होता है कि आप कम से कम एक डिसिप्लिन अपने आप के लिए बनाने लग जाते हैं, और जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और जब आपके खर्चे थोड़े आराम हो जाते हैं, जब आप अपने कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में, तब ये आप अपना यू नो 10% या 20% का जो रूल है वो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल उन्हें होने वाली है, और ये एक हिस्सा है इनके यू नो जर्नी का जो इन्हें यू नो लेके चलना होगा। ओके, और जैसे कि शो की शुरुआत में हर्ष आप बात कर रहे थे कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो 40 में शायद कई लोग या मोस्टली लोग रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम अर्ली प्लानिंग की बात करें या फिर अर्ली रिटायरमेंट की बात करें, चाहे वो किसी भी एज पर हो बट बिफोर 60, इन दैट केस रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे फिट होगी इस तरह के गोल में, जब अगर टारगेट ये हो कि आप 40 ईयर्स में करोड़पति बन जाए तो कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे? वेल, तो इसे हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज है कि जब आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको एक एक्सपोनेंशियली आपको ग्रो करने होंगे, आपकी फिक्स डिपॉजिट रेट्स या कोई यू नो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में आपका काम नहीं होने वाला। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना होगा, और ये होप करना होगा कि जो आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो अच्छे रेट से ग्रो करे, ताकि आप कम अमाउंट में कम समय में आप एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकें। जब आप यू नो रिटायरमेंट के टाइम पे पहुंच जाते, हो सकता है 40 होगा या 45 या 50, जो भी अर्ली रिटायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको वेल्थ क्रिएशन से वेल्थ प्रिजर्वेशन मोड में जाना होगा। सो वेल्थ क्रिएशन था वो फेज जब आप उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन जब आप वेल्थ प्रिजर्वेशन पे आ जाते हैं, वेल्थ प्रिजर्वेशन वो पीरियड होता है जब आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वेल्थ आपने क्रिएट की है उसी पे आप निर्भर हैं। तो वेल्थ प्रिजर्वेशन में जब आप आते हैं तो आपको कंजर्वेटिव व्यू लेना होगा, इक्विटीज का एक्सपोजर आपको कम कर देना चाहिए, और उस समय आप डेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। सो इस फॉर्मूला की बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन करके आगे की रिटायर्ड लाइफ के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। हर्ष, समय की थोड़ी कमी है तो आपसे चाहेंगे क्विकली अगर आप वो कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स बता पाएं जो अवॉइड करने की जरूरत है अगर इस तरह का टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हैं। वेल, अगर हम फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात करें, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ये है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है या प्रमोशन मिलता है या कुछ ना जॉब में उन्हें हायर इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमने देखी है कि लोग अपनी जो लाइफस्टाइल है वो उसके दो गुना आगे का बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर एक घर लेना है तो घर वो इस तरह से प्लान करते हैं जिसमें आप वो आगे की 2 या 3 साल की इंक्रीमेंट भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो जाता है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। तो जब आप अपना कोई भी एक्स्ट्रावेंजा एक्सपेंस करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आज की करंट इनकम को देखते हुए आप प्लान करिए, ना कि आगे का इंक्रीमेंट देखते हुए कि 5-4 साल बाद आपकी इंक्रीमेंट क्या होगी, उसका कमिटमेंट आप आज ना लें। ये एक हमने कॉमन मिस्टेक देखा है जो यंग पीपल जो करोड़पति बनते हैं या जो एम करते हैं उनकी ये तकलीफ हमने प्राइमरी फेस ही देखी है। जी, चलिए फिलहाल आज समय इतना ही है, इस टॉपिक काफी वाइड है, लेकिन शुक्रिया हर्ष कीमती समय निकालने के लिए, इस बिजनेस को अपना अपने व्यूज शेयर करने के लिए।